बिस्तार नगर स्थित नहाल बेड़ी की शासकीय प्राथमिक शाला पिछले 5 सालों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसके चलते बच्चे भोजन कक्ष में पढ़ने को मजबूर है। बीआरसी जन शिक्षक और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी कई बार अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। रहवासियों ने जर्जर हो चुके शासकीय शाला को ताला लगाकर बंद कर दिया है। फिलहाल बच्चे भोजन कक्ष में पढ़ रहे हैं। स्कूल की शिक्षिका रत्ना सोलंकी ने कहा, जर्जर शाला भवन के संबंध में बीईओ और बीआरसी को लिखित में आवेदन दिया गया, लेकिन बच्चों की संख्या कम होने के कारण अधिकारियों ने नया स्कूल भवन नहीं बनाने की बात कही। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मैडम जी, ये स्कूल ये भोजन घर में क्यों लगाते हो वहाँ पे स्कूल? भैया, यहाँ की शाला भवन पूरी जर्जर है। हम पिछले 5 सालों से यही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ में बहुत परेशानी आती है, बैठने की व्यवस्था है नहीं। हमने बीओबीआरसी सभी को लिख के भी दिया है, वो बोले कि आपकी यहाँ उपस्थिति कम है तो शाला भवन नहीं आएगा, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाओ। अब हम बच्चों की उपस्थिति कहाँ से बढ़ाएंगे? तो प्राइवेट स्कूल ही इतनी है और पेरेंट्स भी इतना जागरूक नहीं है, तो हम यही भवन में शाला लगाते हैं। क्या नाम लिखते हो मैडम आप? श्रीमती रत्ना सोलंकी, पीएस नहाल बेड़ी बिस्टा। भैया, बच्चों को किचन में क्यों पढ़ाया जा रहा है? मैं यहाँ साईनाथ कॉलोनी में ही निवास करता हूँ और पिछले 5 साल से देख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये प्राथमिक शाला जो यहाँ पर है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। पानी टपकता है और किसी भी रोज बड़ा हादसा हो सकता है जिसमें किसी भी बच्चे की जान जा सकती है, और इसमें पूरे मोहल्ले के बच्चे हमारे बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल हो। इस कारण हमने इस जर्जर भवन पर ताला लगा दिया और रसोई घर जो है जिसमें हम बच्चों को ताला में बिठा रहे हैं, और यहाँ की जो शिक्षिका है वो भी उनका भी यही कहना है कि पूरी स्कूल जर्जर हो चुकी है और पूरी तरह से खराब हो चुकी है। हमने कई बार लिखित में आवेदन भी दिया है बीओ बीआरसी सभी को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इन्होंने क्या है कि हम जैसे मतलब वार्ड वासियों का मतलब सहयोग लेकर हम तक ये सूचना दी और हम मीडिया के माध्यम से आज आपको बता रहे हैं। क्या नाम लिखते हो? जी, मेरा नाम राधेश्याम प्रजापति। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।